क्या आप उद्धव ठाकरे पे आर यू गोइंग स्लो? स्ट्रेट क्वेश्चन, क्योंकि आपने उद्धव ठाकरे की नाम ली है एंड आई फील मिस्टर फडणवीस, जो मैं मानता हूं कि अगर कोई कुछ कहे तो करना चाहिए, मैं तो हमेशा मानता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं करूंगा, या तो मैं करता हूं या कहता नहीं हूं। फडणवीस जी, इस हफ्ते जो ट्रेंडिंग आपकी एक वीडियो है जिसमें आपने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार के संपत्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर करें, अगर आप मानते हैं, देखिए मैंने अगर आप मानते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुद इस मामले पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते उद्धव ठाकरे उनके परिवार के खिलाफ? पहली बात तो मैंने ऐसा कहीं कहा नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को मैंने चैलेंज दिया है। मैंने उनको कहा मैं कांच के घर में नहीं रहता, आप कांच के घर में रहते हो, मैं पत्थर मारूंगा तो टूटेगा। और मैंने उनको चैलेंज दिया है क्योंकि वो बहुत भाषण करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। आपके पास कुछ भी हो, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, और आज भी ओपन चैलेंज देता हूँ, लाइए, मेरी तैयारी है। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए मैं जब भी मैदान में उतरता हूँ, बड़ी बात नहीं करता, जब भी मैदान में उतरता हूँ कागजात लेकर उतरता हूँ। जिस दिन भी उतरूंगा, बड़ी बात नहीं करूंगा, कागजात लेकर उतरूंगा। कई केसेस है उनमें कागजात आपके पास होंगे। 19 प्रॉपर्टी अलीबाग में, मैं पूछ रहा हूं आपको कि देयर इज अ परचेज ऑफ 19 हाउसेस ऑफ 23,500 स्क्वायर फीट अलीबाग में, और ये एलिगेशन है ये रश्मि ठाकरे के खिलाफ है कि रश्मि ठाकरे किसी और के साथ मिलकर उनके पास ये अलीबाग के प्रॉपर्टीज हैं, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? देखिए उसमें एफआईआर, आपके पार्टी के लोग ही इस पर कंप्लेंट कर रहे हैं, एफआईआर कर, उसमें एफआईआर भी हो गई है और अभी वो चार्जशीट के लेवल पर है। आप रश्मि ठाकरे को इंटरोगेट क्यों नहीं करते? अगर प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जरूरत ही नहीं है, तो रश्मि ठाकरे की इंटरोगेशन क्यों नहीं? पहली बात तो है कि उसकी इन्वेस्टिगेट किसको करना है और इंटरोगेट किसको करना है, ये सरकार नहीं तय करती, ये तय करते है पुलिस, ये पुलिस को तय करना है। सरकार अगर उसमें, जैसे उद्धव ठाकरे जी दखलंदाजी करते थे, ऐसी दखलंदाजी हम करना शुरू कर देंगे तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। पुलिस को जिसका इंट्रोगेशन करना है पुलिस करेगी। मैं आपको इतना ही कहता हूँ, चाहे वो मामला हो चाहे कोई और मामला हो, हम बख्शेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो whosoever is guilty, मैं नहीं कहता कौन गिल्टी है, अगर कोई गिल्टी होगा, और कोई अगर ये सोचे कि अभी तक एक्शन नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा, जैसे SRA स्कीम्स की बात है, SRA, ये सीरियस केसेस है, ये गरीबों का पैसा है, गरीबों की लूट है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी स्कीम में जो आपके पार्टी के नेता ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आरोप लगाया है कि इन्होंने फोर्जरी के केस जो है उसको दबाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा है मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन पर क्या एक्शन हो रहा है? देखिए जो कंप्लेंट आएगी और जो आई है, हर एक पे एक्शन चल रहा है। कुछ एक्शन हम लोग ले रहे हैं, कुछ कंप्लेंट्स ईडी में गई है, कुछ में ईडी एक्शन ले रहा है। मगर 2021 में, मैं याद दिला रहा हूं फडणवीस जी, मैं याद दिला रहा हूं, 2021 में कैश फॉर पुलिस ट्रांसफर और प्रमोशन स्कैम था। आपने कहा था कि उद्धव ठाकरे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार पर है, इस पर उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को उन्होंने दी थी। इस स्कैम का क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा हूं, जो 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 हर चीज, हाँ बिल्कुल, लॉजिकल एंड तक कब गई? लॉजिकल देखिए, अपने सिस्टम का फॉल्ट है, अभी ये CBI इसकी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इसमें मोर देन 100 विटनेस है, तो ये मोर देन 100 विटनेस को इंट्रोगेट करना पड़ता है। CBI कोई चीज बंद नहीं हुई है, CBI इसकी इंक्वायरी कर रही है, और CBI के हाथ में कुछ चीजें आई भी है, इसलिए CBI ने पुराने गृहमंत्री के खिलाफ चार्जशीट भी इसमें दाखिल किया, और चार्जशीट में मेंशन भी किया है कि हम लोग इसमें और चार्जशीट दाखिल करना चाहते हैं।